कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खेरा को पंजाब पुलिस ने चंडीगढ़ से किया गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट में पुलिस ने की कार्रवाई, खेरा ने कार्रवाई को बताया राजनीतिक साजिश। सुखपाल सिंह खेरा की गिरफ्तारी को कांग्रेस ने सत्ता के दुरुपयोग और बदले का सबूत बताया, कहा हम लड़ेंगे और जीतेंगे। सुखपाल खेरा के बेटे ने पिता की गिरफ्तारी पर कहा, मेरे पिता सरकार के खिलाफ बोलते थे, उसे एक्सपोज करते थे, इसलिए बदला लिया गया। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह वंडिंग ने खेरा की गिरफ्तारी को बताया बदले की कार्रवाई, कहा 8 साल पुराने केस में अचानक गिरफ्तारी की साजिश। छत्तीसगढ़ दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी कार्यालय में चुनावी रणनीति पर बैठक, आगामी रणनीति पर चर्चा। चुनावी रण की तैयारी में जुटी बीजेपी, अमित शाह ने वसुंधरा राजे से की मुलाकात, विधानसभा चुनाव में वसुंधरा की होगी अहम भूमिका, सूत्रों के हवाले से खबर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह का जयपुर में चुनावी मंथन, राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बनी रणनीति। जयपुर में संघ के क्षेत्रीय प्रचारक समेत संघ के अन्य नेताओं के साथ बीजेपी की बैठक, अमित शाह नड्डा समेत महासचिव बीएल संतोष भी मौजूद रहे। 30 सितंबर को अहमदाबाद जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह, अहमदाबाद के त्रिगढ़ में करेंगे रैली, उद्घाटन कार्यक्रम में भी होंगे शाह। राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी की बैठक के बाद बोले बीजेपी नेता सतीश पूनिया, राजस्थान में इस बार मजबूती से बनेगी हमारी सरकार। बीजेपी ने चुनाव के लिए बनाया माइक्रो मैनेजमेंट प्लान, दूसरे राज्यों के 44 नेताओं को दी जिलों की कमान। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का बजा बिगुल, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का छत्तीसगढ़ दौरा, मजदूरों और किसानों को साधने की है तैयारी। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का इंडिया गठबंधन पर वार, कहा पीएम मोदी के काम ने गठबंधन को किया ढेरे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले इंडिया गठबंधन के साथ हैं हम लोग, हमें बीजेपी को हराना है। मणिपुर को लेकर कांग्रेस ने फिर पीएम को घेरा, कहा मणिपुर जल रहा है, पीएम चुनाव में व्यस्त। केजरीवाल के बंगले खर्च की जगह जांच पर बीजेपी का पलटवार, कहा सीबीआई जांच में सब सामने आ जाएगा, कोविड के वक्त ये घोटाला हुआ। रमेश विधोड़ी को चुनावी तैयारी देने पर बीजेपी पर बरसी कांग्रेस, कहा रमेश विधोड़ी पर कार्रवाई के बजाय प्रमोशन किया गया, यही बीजेपी का असली चेहरा। पंजाब में किसान संगठनों का 3 दिन का रेल रोको आंदोलन, बाढ़ से फसलों को हुए नुकसान के लिए आर्थिक पैकेज, एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी और कर्ज माफी की मांग। पंजाब के अमृतसर में अपनी मांगों को लेकर लामबंद हुए किसान संगठन, रेलवे ट्रैक जाम करने की तैयारी। प्रस्तावित दरभंगा एम्स नहीं बनने पर बीजेपी सांसद नदी रक्षित कालीन अनशन की धमकी, बिहार सरकार पर लगाया आरोप। भोपाल के आसमान में एयर शो को लेकर तैयारियां तेज, एयर शो की फुल ड्रेस रिहर्सल। उज्जैन रेप मामले में पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया, पुलिस कर रही है पूछताछ, इंदौर के अस्पताल में बच्ची का इलाज जारी। मुंबई के कुर्ला इलाके में स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, लाखों का हुआ नुकसान। बिहार के नवादा में बेकाबू ट्रक ने 4 लोगों को कुचला, 3 लोगों की मौके पर मौत, एक शख्स घायल, ट्रक लेकर ड्राइवर हुआ फरार। बिहार के हाजीपुर में युवक को 5 गोली मारकर उतारा मौत के घाट, युवक को खत के जरिए मिल रही थी धमकी, स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन। बिहार के सीवान में अपराधियों के हौसले बुलंद, मवेशी तस्कर को गोली मारकर फरार हुए बाइक सवार बदमाश। यूपी के मुरादाबाद में ब्याज के पैसों को लेकर हुआ विवाद, ब्याज पर पैसे देने वाले ने युवक को मारी गोली। यूपी के मथुरा जंक्शन स्टेशन पर हुए हादसे में ट्रेन के अंदर का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, ट्रैक से उतरकर प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई थी ईएमयू। मुंबई एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा, स्पाइस जेट मुंबई दरभंगा फ्लाइट हुई कई घंटे लेट, मुर्दाबाद को लगाए गए नारे। नवी मुंबई से 4 साल की मासूम का अपहरण, पुलिस ने सीसीटीवी के जरिए आरोपी को किया गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला मंदिर पहुंचे पूर्व क्रिकेटर और सांसद गौतम गंभीर, बालाजी के दर्शन पूजन। केदारनाथ धाम पहुंचे उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बाबा केदार के दर्शन किए, तीर्थ पुरोहितों ने किया अभिनंदन। गणेश उत्सव पर सीएम शिंदे से मिले इरशालवाड़ी भूस्खलन त्रासदी के अनाथ बच्चे, गणपति बप्पा की आरती।
गणपति विसर्जन के साथ 10 दिन से चल रहे गणेशोत्सव का आज होगा समापन। मुंबई में गणपति की जयकार के साथ विदाई। मुंबई में गणपति विसर्जन के लिए सुरक्षा हुई कड़ी, करीब 7000 सीसीटीवी कैमरों से रखी जा रही है नजर। आज महाराष्ट्र के लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन। लालबाग के राजा के दर्शन के लिए लगी भारी भीड़, गणपति बप्पा मोरिया के नारों से गूंजा पंडाल। महाराष्ट्र से लेकर हैदराबाद तक गणपति उत्सव की धूम, सागर लेक में किया गया गणपति विसर्जन। हैदराबाद के रिचमंड विला सन सिटी में इस साल 1,26,00,000 रुपए में हुई गणपति प्रसाद के लड्डू की नीलामी, पिछले साल 61,00,000 रुपए में बिका था लड्डू। नॉर्थ कोरिया की संसद में परमाणु हथियार नीति पर चर्चा, किम बोले नए हथियार प्रणाली क्रांतिकारी कदम होगा। एशियन गेम्स में भारत की एक और कामयाबी, 10 मीटर एयर पिस्टल में मिला गोल्ड मेडल, वुशु में भी सिल्वर मेडल पर भारत का कब्जा।